हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज मेरा नाइट केयर स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। बस देखिएगा एंड तक, बस कुछ ही मिनटों का काम है, हो जाएगा। तो मुझे पहले क्या करना है, मैं एकदम शुरुआत से एंड तक आप लोगों को दिखाती हूँ। आप स्किप मत किए, देखिएगा एंड तक, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अभी मम्मा अर्थ का उबटन फेस वॉश से मेरा फेस क्लीन करके आती हूँ। मैं आप लोगों के सामने ही फेस वॉश करती हूँ, लगाती हूँ। आप लोग देखिएगा कि फेस वॉश भी जैसे तैसे करके भी लगाना सही बात नहीं, इसका भी एक सिस्टम रहता है ताकि स्किन रफ ना हो जाए या फिर स्किन कम उम्र में डल ना हो जाए। तो स्किन को भी केयर चाहिए, तो उस तरह से किस तरह से हमें फेस वॉश भी लगाना है वो भी मैं आप लोगों के सामने ही दिखाऊंगी। और हाँ, मेरे ये मम्मा अर्थ के उपटन फेस वॉश में स्क्रबिंग पार्टिकल्स है, इसलिए मुझे अलग से स्क्रब लगाने की ज़रूरत है। आप अगर अलग कोई फेस वॉश यूज़ करोगे तो अगर उसमें स्क्रबिंग पार्टिकल्स नहीं है तो आप स्क्रब फेस वॉश के बाद स्क्रब भी करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मैं फेस वॉश करने के लिए पहले फेस अच्छे से धो के आती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं फेस धो के आ गई। अब मैं ये बस थोड़ा सा लेती हूँ और आराम से, स्किन के ऊपर कोई प्रेशर मत डालिएगा। मैंने पहले भी, ये मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन है, तो मैंने एक बार डे स्किन केयर रूटीन में भी ये बात शेयर किया था कि बहुत सॉफ्टली एंड स्मूथली स्किन के ऊपर करना है, कोई प्रेशर नहीं डालना है क्योंकि स्किन बहुत नाजुक चीज होती है, तो इसलिए आराम से करिएगा। बस हो गया, अब मैं धो के आती हूँ। टॉवल से पोंछना भी बहुत सॉफ्टली है, कोई प्रेशर नहीं डालना है, रबिंग नहीं करना। अभी शुरू होगा, फर्स्ट स्टेप तो हो गया, अभी शुरू होगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, टोनर लगाना है। मम्मा अर्थ का मैं विटामिन सी टोनर ही अभी लगा रही हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आपको जो अच्छे अच्छे बहुत सारे ब्रांड्स होंगे, तो आपको जो सही लगता है आप वो ट्राई करिएगा। तो मैं ये कॉटन के ऊपर इसको बस 5-6 ड्रॉप डालकर इसको आराम से स्किन के ऊपर लगा लूँगी। ताकि स्किन में भी काम करे और रब भी ना हो। तो ये नायका का जो सीरम है ये 9-in-1 है, मतलब एक में 9 काम होंगे, ऐसा ही लिखा हुआ है। और ये 2% मल्टीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है इसमें, ठीक है। 2% ऑस्ट्रेलियन स्किन नेक्टुरा भी इसमें है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेरा सीरम लगाना हो गया। मैं बाद में अच्छे से मेरा फेस दिखाऊंगी एकदम लाइट के नीचे। तो अभी फेस वॉश, टोनर और सीरम का काम हो गया। तो हमें अभी जो करना है वो है, अभी गर्मी के टाइम है, रात को हर कोई नाइट क्रीम लगाना पसंद नहीं करते, इसलिए हमें जो करना है, मुझे भी पसंद नहीं है, इसलिए मुझे जो करना है, ये देखिए ये नायका का स्लीपिंग मास्क है, ये भी लगा सकते हो। ये दिख नहीं रहा ठीक से, तो ये भी लगा सकते हो रात को स्लीपिंग, गर्मी के टाइम सब कुछ हो जाने के बाद, यानी कि फेस वॉश से फेस क्लीन हो जाने के बाद, टोनर लगाने के बाद, फिर सीरम लगा के फिर आपको जो करना है वो है मॉइस्चराइजिंग करना, मतलब क्लींजिंग, स्क्रबिंग, टोनिंग, फिर सीरम,
फिर मॉइस्चराइज़र लगाना है। तो मॉइस्चराइज़र की जगह गर्मी के टाइम हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकते, तो चिपचिपाहट होती है, किसी किसी को पसंद नहीं, मुझे भी नहीं, तो हम ये स्लीपिंग मास्क लगा सकते हैं, या तो फिर ऐसा मामाअर्थ का मेरे पास है, ये है एलोई टर्मरिक जेल, सिर्फ एलोई जेल भी होता है वो भी अच्छा होता है, और एलोई टर्मरिक मुझे ज़्यादा मतलब पसंद आया तो मैंने ये लिया। आपके पास जो भी ब्रांड रहेगा वही मतलब अच्छे अच्छे बहुत सारे ब्रांड से उस ब्रांड का आप लगाइएगा, लेकिन मामाअर्थ का ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, यकीन मानिए मैंने इतना मतलब अच्छा सोच के इसको ऑर्डर नहीं किया था जितना अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं तो बहुत प्लीज्ड हूँ, बहुत खुश हूँ। तो मुझे अभी मेरा स्लीपिंग मास्क ख़त्म हो गया है, तो मैं कुछ दिनों से ये जेल ही लगा रही हूँ, तो बस जेल लगाने के बाद और कुछ नहीं करना, क्रीम तो हमें नहीं लगाना नाइट क्रीम, हल्के हाथों से इसे बस लगाना है, सेम फार्मूला में ही स्किन में इसको मसाज करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं, सेम फार्मूला, मसाज करने का फार्मूला सेम है, और आँखों की तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, बस हो गया। तो देखिए दोस्तों मेरा अभी स्किन केयर कंप्लीट हो गया, अभी आखिरी में मुझे जो करना है वो होप के हमने पूरा फेस के लिए तो केयर किया, लेकिन एक ही चीज़ बाकी रह गया हमारे फेस का, वो है लिप। तो लिप के लिए मेरा ये बायोटिक का ये बहुत ही बढ़िया है, ये मुझे अच्छा लगा, आपके पास जो भी अच्छा सा लिप बम है वो आप वो लगाइएगा, लेकिन लिप बम ज़रूर लगा के सोइएगा, ताकि लिप पूरी रात तक ये लिप बम काम करेगा तो लिप सॉफ्ट रहेगा। बस हो गया मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन कंप्लीट, और आखिर में हेयर कॉम करना भी ज़रूरी है, ये स्किन केयर के साथ रात को आप लोगों को सभी को पता होगा कि रात को हमें हेयर को भी 100 स्ट्रोक देना चाहिए, लेकिन किसके पास इतना टाइम और इतना पेशेंस रहता है कि हम हेयर को 100 स्ट्रोक लगाए, इतना नहीं हो पाता, जितना हो सके आप हेयर को एकदम शुरुआत से एंड तक एकदम आगे से पीछे तक अच्छे से थोड़ा प्रेशर डाल के कॉम कीजिएगा, इससे हेयर फॉल भी कम हो जाते हैं और हेयर के ग्रोथ भी अच्छे होते हैं, और हेयर के सभी फायदे के लिए ये सही है। ये देखिए दोस्तों अच्छा लग रहा है ना, स्किन एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सफ़ेद, एकदम नरिश्ड और हाइड्रेटेड लग रहा है ना, मुझे तो कैमरा से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं भी अच्छे से देख पा रही हूँ पहले क्या था स्किन और अब देखिए क्या लग रहा है। दोस्तों मेरा वीडियो जिन्होंने एंड तक देखा उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स, तो आप लोग ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा कि मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन आप लोगों को कैसा लगा, और ये मुझ में अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है, तो चलिए टाटा गुड नाइट। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ये नाइट स्किन केयर रूटीन अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, टाटा बाय।